मेरा नाम आज मैं आपके सामने क्रिया विशेषण की परिभाषा लेकर आई हूँ। क्रिया किसी काम का करना या होना, विशेषण जो किसी चीज की विशेषता प्रकट करते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्रिया के होने का समय पता चलता है। तुम कब जाओगी, इस वाक्य में कब कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्रिया के होने का स्थान पता चलता है। वह नीचे बैठी है, इस वाक्य में नीचे बैठी स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमें काम कैसे हुआ उसका पता चलता है। वह धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमें मात्रा का पता चलता है। इस क्लास में थोड़ा सा पानी है, इस वाक्य में थोड़ा सा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग वाटर गर्ल, मैं अंजलि सिंगला आठवीं कक्षा का विद्यार्थी आज आपके सामने क्रिया विशेषण और उसके भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, आज। कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे आज, कल, कब, आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे ऊपर, नीचे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा। थैंक यू।